मैं 19 जून से लेके 2 जुलाई तक अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था। मैं एक कोटक बैंक का मल्टी करेंसी कार्ड लेकर अपने साथ गया और वहाँ पर लगभग 29 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप लगातार कुछ पैसा विड्रॉल कर रहे हैं क्या कैश। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने कहा कि मैं तो कोई कैसा कोई इस तरह से मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मैं तो कार चला रहा हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अकाउंट से लगातार कैश विड्रॉल हो रहा है किसी एटीएम से, तो क्या ये पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर बैंक वालों ने कहा कि आप चेक कीजिए, आपके पास एसएमएस आया होगा। तो मैंने गाड़ी रोक के चेक किया तो मेरे पास बैंक से 6 SMS आए थे जिनसे लगभग $2200 US मेरे अकाउंट से किसी ने कैश विड्रॉल कर लिया। इसकी कीमत कितनी होगी डॉलर की? लगभग 2.25 लाख रुपये। तो आप मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा दर्ज कराया आपने? हाँ, मैंने अलवर गेट जो मेरा थाना है वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है। मैं इसके लिए संबंधित थाने ऑस्ट्रेलिया भी गया पर उनको जो जानकारी चाहिए थी बैंक के थ्रू वो मुझे बैंक से नहीं मिल पाई क्योंकि समय भी कम था और अगले दिन ही मुझे वापस मेरी रिटर्न फ्लाइट थी वहाँ से। कौन सी जगह से निकले हैं पैसे? इसमें मुझे जगह का क्लियर नहीं हो पा रहा, इसीलिए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास जो बैंक से SMS आया उसमें लिखा हुआ है रोजलैंड्स। अब रोजलैंड्स क्या जगह है, कहाँ है, मैंने गूगल पे भी सर्च किया पर कुछ 5-6 जगह पर अलग अलग जगह रोजलैंड्स हैं, तो अब ये कहाँ है कुछ इसका आइडिया नहीं है। नाम बताया? अतुल यादव। अतुल,